यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को यहाँ पे समन भेज दिया गया है ईडी के तरफ से। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी को 13 जून को यहाँ पे भेजा गया है समन, जहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका कनेक्शन है रिक्रूटमेंट स्कैम के साथ। मतलब आके यहाँ पे टीचर्स का अपॉइंटमेंट आके इन्होंने पैसे के बदले किया है, उस वजह से यहाँ पे देखा जा सकता है ईडी ने समन भेजा है। अभी तक आके यहाँ पे कुछ भी साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन ईडी आके यहाँ पे पूछताछ करने में बहुत ही ज्यादा बिजी है और देखा जा सकता है उनको आके यहाँ पे समन भी भेजा गया है। उसी के साथ उनके जो पत्नी है उनको भी आके यहाँ पे बिठाया गया, करीबन 4 घंटे तक पूछताछ किया गया, जहाँ पे आपको पता होगा कि कोल प्रिफ्रेगेट केस के अंदर भी उनको आके अक्यूज बनाया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे पूछताछ करने के बाद छोड़ा गया है उनकी पत्नी को। और आपको पता होगा कि यहाँ पे 20 मई को भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था सीबीआई के द्वारा। और उसी के साथ यहाँ पे देखा जा सकता है सीबीआई और ईडी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं इन दोनों के ऊपर। आपका क्या राय है इसके ऊपर आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।